आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऑफिस पे, और आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सैयद हिदायत बिल्डर, सेंटर सिटी प्रेसिडेंट। और आज हम हिदायत साहब से बात करने वाले हैं शहर औरंगाबाद के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। आज जो औरंगाबाद सिटी का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार मैं महानगर पालिका के अधिकारियों को ठहराना चाहता हूँ, और दूसरा कि हमारे आमदार खासदार साहब को, कि आमदार खासदार साहब ने जो वादे करते हैं, तो इलेक्शन जब आता है तो जब भी हमारे वार्डों के अंदर जो है तो आकर देखते हैं और पब्लिक को आश्वासन देते हैं, ये बताते, ये कहते हैं कि हम आपके वार्ड में जो है तो ड्रेनेज लेने डाल देंगे, आपको हर किस्म की सुविधाएं दिलाएंगे, लाइट के खंभे पोल बिठा के देंगे, आपको पानी की लाइनें डाल के देंगे, आपको रोड बना के देंगे। और उसके बाद में जब इलेक्शन का चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में कभी दोबारा जो है तो वो 5 साल झांक कर नहीं देखते, और ना अभी तक देखे। आज हमारी आम जनता को इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, ना गलियों के अंदर लाइट है, ना रोडों पे खंभे है, ना ही रोड सीधे है, ना तो जो है तो पानी की ड्रेनेज की लाइनें काफ़ी सारे। आज मैं पुलिस कॉलोनी और जहांगीर कॉलोनी की बात करता हूँ, वार्ड क्रमांक 3 की, वहाँ पर जब से खासदार साहब के इलेक्शन हुए और उसके बाद में जो है तो नगर सेवकों के इलेक्शन हुए, ना खासदार साहब ने देखे ना नगर सेवकों ने देखे, आज तक वो जैसे के वैसे ही रोड पड़े हैं, ना आज तक लाइट की बिजली आई वहाँ पे, खंभे आए वहाँ पे, ना रोड बना ना ड्रेनेज बनी। वहाँ के लोग जो है तो प्राइवेट चैम्बर वगैरह बना के अपने जैसे भी आगे चल रहा चला रहे बस, ना वो गरीबों की तरफ कोई देखने के लिए है ही नहीं। उन्होंने औरंगाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी नाम तो दे दिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी नाम कहाँ कहाँ पर चल रहा? ऐसा है कि जो औरंगाबाद सिटी जो सिटी है, तो सिटी में तो कोई स्मार्ट काम हुआ ही नहीं उनका, सिटी में कोई स्मार्ट काम हुआ ही नहीं। सिटी के बाहर जो है तो सिडको, हड़को, MIDC ये साइड के एरिया में जो है तो रोड वहाँ पे डेवलप भी करे उन्होंने, वहाँ पे अच्छी खासी उनकी हर पब्लिक को सुविधाएं दिए, हर चीज़ करे, लेकिन जो मेन औरंगाबाद की जो मेन पुरानी सिटी है उसके अंदर ना अभी तक की कोई रोडों का काम हुआ, ना लाइट के पोल बिठाए गए, ना अतिक्रमांक से आज रोड के ऊपर चलना, इतना पब्लिक को भी इतना प्रॉब्लम होता है, वो तो ट्रैफिक पर इतना होता है कि वहाँ से गाड़ी गुजरने के लिए आधा आधा घंटा लग जा रहा है, ये तो रोड की बात है। लेकिन आज मैं पुलिस कॉलोनी जहांगीर कॉलोनी में, आज वहाँ की जनता इतनी परेशान, इतनी पानी के लिए इतनी परेशान है कि वहाँ 200-400 रुपये में एक एक ड्राम पानी का बिका जा रहा है। तो हमारे महानगर पालिका के साहब लोग और जो है तो हमारे खासदार साहब जो वादे करे थे हमारी आम जनता से, तो वो वादे कब पूरे करेंगे? आज वादे पूरे करने के आपने बोल तो दिया था, लेकिन आज हमारे वार्डों के अंदर जो है तो इलेक्शन आपके पूरे 5 साल निकल गए, तो आज तक आपने कुछ नहीं करे, फिर अभी इलेक्शन आएंगे तो आप लोग आएंगे साहब। हम आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहते हैं, ना किसी जात धर्म को लेके, ना किसी के पार्टी को कुछ लेकर, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, मैं समाजवादी का सेंट्रल शहर अध्यक्ष हूँ, मैं हर पब्लिक और हर समाज के साथ में जुड़कर और आगे काम करना चाहता हूँ और काम करूँगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है तो सिर्फ एक ही बात सरकार को और हमारे खासदार आमदार साहब जो भी आज सत्ता में है, मैं उन्हें आज ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये है पब्लिक को जो प्रॉब्लम है, तो जब आपने 5 साल में नहीं करे तो कम से कम अभी जाते जाते तो उनका दिल जीत लीजिए, जाते जाते तो उनकी ज़रूरतें 1 रुपया नहीं तो 1 रुपये में 4 आने तो काम करके दीजिए। MIDC होगा, जालना रोड हो गया, जालना रोड के उस साइड का एरिया देखिए, वहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट के माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे रोड बने हैं, वहाँ पे सिटी बस वगैरह भी चालू है हमारे शागन में, हमारे हरसूल में, इधर से शागन जाने के लिए अरे बाइक से नहीं जा सकता, रिक्शा से ऑटो से जाने के लिए इतना ट्रैफिक हो जाता, वहाँ से सिटी बस भी आपने चालू नहीं किया और नाम दे दिया उसको स्मार्ट सिटी का। मैं सरकार से, हमारे खासदार साहब से बस हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बस गुजारिश है और हमारी आम जनता के तरफ से, जो भी है तो हमारी जहांगीर कॉलोनी में और पुलिस कॉलोनी के अंदर आकर जो है तो देखिए कि वहाँ की पब्लिक को क्या तकलीफ है। वहाँ पर जब आप इलेक्शन आए थे, जब आए थे साहब, उसके बाद भी दोबारा क्यों नहीं आए? हमारी आम जनता और हम लोग आपके ऑफिस पर कई बार आकर चले गए, लेकिन आपसे कभी मुलाकात ही नहीं होती, आपसे मुलाकात नहीं होती, आपकी PA से मुलाकात होती, और आपकी PA क्या बताना चाहे, क्या बोलते? हम उनको बोले कि हमको खासदार साहब से मिलना है, कि उन्होंने हमसे वादा करे थे इलेक्शन के वक्त कि हमको पानी की लाइन चालू करके दे देंगे, ड्रेनेज की लाइन बना के दे देंगे, रोड बना के दे देंगे, बिजली के खंभे डाल के दे देंगे, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने डाले नहीं, हमको हमारे खासदार साहब से मिलना है। तो आपके PA हमारे को यही कहते कि साहब अभी मीटिंग में जो है तो हैदराबाद गए हुए, साहब अभी लंदन गए हुए, साहब अभी दिल्ली गए हुए, तो हम लोगों ने जो आप लोगों को चुन के लेके आए साहब,
हम लोगों ने जो आपको चुन के लेके आए, तो हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करते हैं, रुपए में चारा ने हमारे रोड़ों की तरफ हमारे वार्डों के अंदर देखी है बस, कि इतने 2014 से लेके आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है जहांगीर कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी और आसपास के एरियो में। तो इस ताल्लुक से आपने अभी तक महानगर पालिका में या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को कैसे कितने निवेदन दिए? काफ़ी सारे निवेदन दिए हमने, लेकिन हमारे को निवेदन के बदले में सिर्फ आश्वासन, हमारे को हमारे महानगर पालिका से भी आश्वासन मिला हमारे को कि बस आपका काम हम जल्द से जल्द करा के दे देंगे, बस आपका काम हम जल्द से जल्द करा के दे देंगे, लेकिन काम कुछ होता नहीं। खासदार साहब के पास में भी जाते, खासदार साहब भी सिर्फ हमारे को यही बताना चाहते कि बस आपका अभी कुछ वक्त दो हमारे को, हम कुछ वक्त में आपका काम करा के दे देंगे, लेकिन काम कुछ होता नहीं। तो इसके चलते एक सवाल है आपसे कि अब ये जो आने वाले जो महानगर पालिका के जो इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में, तो इसके अंदर समाजवादी पार्टी के ऐसे कितने कैंडिडेट्स अभी खड़े होने वाले इलेक्शन के अंदर? देखिए, कितने कैंडिडेट खड़े होंगे वो तो मैं आज नहीं बता सकता, मगर इंशाल्लाह हम काफ़ी सारे वार्डों के ऊपर इलेक्शन या कॉन्टेस्ट करेंगे। और मैं हिदायत बिल्डर की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वार्ड नंबर 3 जहांगीर कॉलोनी जो है तो पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज की डेट में औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी कहलाता है, मगर जहांगीर कॉलोनी में अगर आप चले जाए तो ऐसा लगता है कि आप कोई देहात में आ गए। हिदायत बिल्डर ने उसका काफ़ी सारी तफसील से बता दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर सिर्फ जहांगीर कॉलोनी या वार्ड नंबर 3 एक ऐसा अकेला वार्ड नहीं है। औरंगाबाद शहर के अंदर जो ओल्ड सिटी है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे वार्ड है। मिस्तरवाड़ी चले जाइए आप नारे गांव चले जाइए आप, बहुत सारे पड़े गांव चले जाइए, ऐसे बहुत सारे वार्ड है जो मैं आपको गिन के बता सकता हूँ जो पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसमें रोड का कोई नज़्म नहीं, और रोड है तो रोड में गड्ढे इतने हैं कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है कुछ समझ में नहीं आता। तो औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी की तरफ सिर्फ कागज़ों के ऊपर बढ़ रहा है, हकीकत रोड के ऊपर क्या है वो आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं और आम जनता भी जानती है। ऐसा साहब, इस ताल्लुक से कभी आपने पार्टी के सीनियर लीडर्स जैसे अबू आजमी साहब से या और कोई सीनियर लीडर्स से बात की है इस तरह डेवलपमेंट के ताल्लुक से? देखिए, डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमने पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी साहब से बात की, मगर औरंगाबाद शहर के प्रशासक को हमने बार बार, लॉकडाउन था उस वक्त से तो आज तक हम जताते आ रहे हैं कि आप इन वार्डों की हालत सुधारिए, मगर औरंगाबाद प्रशासक के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, और वो सिरे से कोई भी निवेदन दो, हमारी पार्टी ने जितने बार निवेदन दिए वो सिरे से खारिज कर देते, हाँ हम इस पर देखेंगे बोल के छोड़ देते हैं, और उनको कोई, उनके ऊपर एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ के, ना खासदार का प्रेशर है, ना आमदार का प्रेशर है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर सही तरीके से प्रेशर बना सक रही। तो औरंगाबाद शहर में ऐसे बहुत सारे वार्ड मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और समाजवादी पार्टी ने मिशन चालू किया है कि औरंगाबाद शहर के जितने भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित वार्ड है उन सब को लेके हम इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद महानगर पालिका के ऊपर एक धरना देंगे, और उनको ये सोई हुई जो नींद में है चौधरी साहब जो महानगर पालिका के प्रशासक है आज औरंगाबाद शहर के, उनको हम वो कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। ये धरने मोर्चे आंदोलन कब करने वाले हो सर आप? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पार्टी के सभी लोगों से चर्चा करके जल्द से जल्द करने वाले हैं अगले महीने के अंदर ही। तो आज आपने देखा, हमने फैसल साहब जो सीनियर पार्टी लीडर है उनसे ही बात की है, और सैयद हिदायत बिल्डर साहब से बात की है जो कि सेंट्रल सिटी प्रेसिडेंट है। इन दोनों ने यही बताया है आज तमाम शहर औरंगाबाद के अंदर जो डेवलपमेंट रुका हुआ है वो जल्द से जल्द किया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।